क्या ये? ये गौतम बुद्ध के पद्म पानी मूर्ति है। कितना पुराना है? सेवेंथ सेंचुरी। फाइनली हम लोग यहाँ म्यूजियम के पास पहुँच चुके हैं पटना, और यहाँ से अभी हम इसके अंदर जाएंगे। अंदर पता नहीं मोबाइल अलाउड है या नहीं, पर फिर भी सबसे पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं। आज वैसे भी ट्रैफिक कम है, और मैं पहली बार यहाँ विजिट कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, जितना हो सके उतना मैं कवर ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले चलो अंदर चलते हैं, टिकट वगैरह भी कटवाना होगा हमें। मैंने सुना ये बिहार म्यूज़ियम है और ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इससे पहले हमें टिकट लेना होगा। तो चलो, टिकट कहाँ है? ये रहा, यहाँ पर। चलो, हमने टिकट ले लिया है, अब आगे चलते हैं। अंदर घुसते ही सबसे पहले हमारा स्वागत किया गया इन बड़े बड़े तस्वीरों के साथ, और यकीन मानिए बहुत अच्छे तस्वीरें हैं और सारे डिजिटल से। और ये रहा मेरा दोस्त यजुवेंद्र। हाय तो कर दो। चलो तो चलते हैं टनल के अंदर, क्या है देखते हैं इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग पहले से इंतज़ार कर रहे थे। और जब हमने देखा कि इस टनल में क्या है, तो इस टनल में एक तरीके से गेम जैसा माहौल था। ये पूरा डिजिटल स्क्रीन है और इसको टच होने पर ये चीज़ें मूव करती थी। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ म्यूज़ियम में, पटना के म्यूज़ियम में, और ये मेरा दोस्त मिल गया। हम ये दिल्ली से, मैं कोलकाता से, और नसीब ने हमें यहाँ पर मिला दिया। तो हम सोचे कि चलो एक साथ ही घूमने चले जाते हैं। पटना में हमारा एग्ज़ाम था एक साथ ही, तो ये दिल्ली से हमें कोलकाता से, सोचो कहाँ से, एक पश्चिम और एक पूर्व से, लेकिन यहाँ पर आखिर आके मिली गए। आप अपना नाम तो बता दो। यादविंद्र। यादविंद्र है, कभी दिल्ली जाएंगे तो इनसे मिलेंगे। ठीक है, चलो तब तक हम लोग ये म्यूज़ियम देख लेते हैं। ये रहा पानी के अंदर तैरता हुआ एक एलिगेटर। ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, और इसकी ये दांत तो देखो क्या शार्प है। इसके साथ साथ और भी कुछ यहाँ पर मॉडल्स बनाए हुए हैं, जैसे टर्टल हो गए, और अलग अलग वहाँ आप ऊपर देख सकते हो सारस जैसे बहुत सारे पक्षी हैं, जो बच्चों के लिए स्पेशली ये बनाया गया है। आप इनको गौर से देखोगे तो झूला कम झूल रहे, डांस ज़्यादा कर रहे हैं। ये बच्चों को इंटरटेन करने का बहुत ही शानदार इंतज़ाम यहाँ किया गया है। तो चलो और भी आगे हम चलकर देखते हैं कि आखिर यहाँ क्या है। ये सब शुरुआत के ही है। चलो मैं भी चलूँ ऊपर। जब मैंने यहाँ से देखा तो मुझे मोदी जी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। फिर से मैंने देखा तो अरे नहीं, मैं तो गलत सोच रहा था, मजाक कर रहा हूँ। फाइनली दोस्तों, देखते हैं अब आगे और कहाँ क्या क्या रखा हुआ है, ये भी चल के देखते हैं हम। अब हम यहाँ से जाएंगे आर्ट गैलरी की तरफ। हम मेन हॉल में आ चुके हैं, और यहाँ बहन जी भाई सब का हाथ खींचते हुए पीछे ले जा रही है। तो चलिए आर्ट गैलरी में चलते हैं। ये स्टोन दांत है क्या किसी चीज का? वाह, ये तो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो का समय का है। ये तो 5000 साल पहले की चीजें हैं। रियली इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें, कितनी पुरानी चीजें हैं ये। डंबेल। नाइन्थ सेंचुरी ग्रे स्टोन। क्या ये? ये गौतम बुद्ध के पद्म पानी मूर्ति है। कितना पुराना है? सेवेंथ सेंचुरी। दोस्तों, ये गौतम बुद्ध की सेवेंथ सेंचुरी पुरानी, यानी सोचो 7वीं शताब्दी की ये मूर्ति है, जिसे आज इस पटना के म्यूजियम में बहुत ही सुरक्षित रूप से रखा हुआ है। देखो पूरी तरह खंडित हो चुकी है, लेकिन क्या कहें, बहुत अच्छा लगा इन्हें देख करके। फाइनली यहाँ तो हम पूरी तरह देख चुके हैं, अब चलते हैं आगे, और चलते हैं मेन आर्ट गैलरी की तरफ, जिसका सबको इंतज़ार होता है। आर्ट गैलरी की तरफ जाते वक्त हमें दिखाया गया बिहार की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के बारे में, जहाँ हम लोगों ने बैठ करके बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सुना, और फिर हम आगे चले।
दोस्तों यहाँ हमें जोर से बोलने से मना कर दिया गया था, इसलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और अगले वीडियो में मैं आपको उस आर्ट गैलरी में लेकर जाऊँगा जिसे देखने का इंतज़ार हर कोई करता है, इसीलिए वीडियो पर बने रहना और सेकेंड पार्ट ज़रूर देखना।